सो हे गाइस, आ गए आपका भाई एक और नई वीडियो के साथ यार। सो गाइस, ये स्पाइडर मैन वाला अपडेट जब से आया ना यार, तब तो खेलने के मज़े ही मज़े आ गए यार। सो गाइस, इस गेम प्ले में आपको स्पाइडर मैन वेब शूटर जो है ना, उसका असली यार यूज़ देखने को मिल सकता है यार, क्योंकि आज हमने उसको बहुत ही यूज़ किया है और बंदों को उड़ उड़ के बहुत मारा है गाइस। तो यार हम लैंड किए थे गैजोक में, क्योंकि गैजोक में भी एक दो जगह पर ये वेब शूटर मिलता है। तो क्या था, हमारे साथ एक दो और डियो भी उतरा था इधर, तो मेरे को सामने दिखा वो डियो, तो वो लोग भी उस साइड ऊपर लूटने को चले थे। मेरे पास भी कोई अच्छी सी गन नहीं थी, सिर्फ यूजी और वेक्टर थी, तो मैंने भी उस पर डायरेक्ट क्रॉस करने का नहीं सोचा, क्योंकि वेस्ट भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने पहले वेस्ट और हेलमेट उठाने का सोचा, मैंने इधर टीपी पी लिया, तो वो दोनों डियो है ना, वो अपने आपस में फाइट ले रहे थे। तो मैंने उसमें से एक को नॉक किया, और जैसे ही नॉक किया मैंने टीममेट को बोल दिया कि चलो भाई हमको क्रॉस करना है उस पर, क्योंकि नॉक बनता था तो फिनिश करने में हमको इतना ही इजी करने वाला था। पर यार हम इधर पहुंचे तो सही, बट वो सामने वाला डियो तो पूरा फिनिश हो गया था, पर जिस डियो का मैंने बंदा नॉक किया था वो रिवाइव हो गया। तो देखो यार वो मेरे सामने आ गए, तो वो इधर आके सो गया, वो स्नेक बन गया। बट यार मेरे को कोई एंगल नहीं मिल रहा था कि मैं मारूँ कैसे उसको, अंदर में जाता तो भी प्रॉब्लम आती। तो मेरे टीममेट ने उसको पीछे से नॉक तो कर दिया और सीधा फिनिश भी कर दिया। तो हम वहाँ से तो फटाफट से निकल गए, क्योंकि वहाँ पे बंदे ख़त्म हो गए थे, गैजोक में कोई था नहीं, तो हम सीधे वहाँ से निकले। तो इधर आके हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, तो हमने फटाफट से इधर पोचिंग की में आ गए, क्योंकि हमको इधर से साउंड आया था वो फायरिंग का। तो हम फटाफट से इस हाउस पे आ गए, तो मेरे को लेफ्ट साइड से साउंड आता है, तो मेरे को पता चला कि यार लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं तो बंदे हैं। तो मेरे को लगा कि शायद इस घर में हो गए बंदे, तो मैं फटाफट से इस घर की छत पर आ गया। मैंने साउंड सुनने का कोशिश किया कि एक्चुअल में वो बंदा आया कहाँ पे, पर मेरे को आइडिया नहीं आया। तो मेरे को वो दीवार के पीछे हल्का सा दिख गया, तो वो मेरे पे घर करने की कोशिश कर रहा था, बट मैंने यार उसको नॉक कर दिया। तो उसका बंदा सामने, देखो सामने दीवार के पीछे उसका दूसरा बंदा है। जब मैं घर करने की सोच रहा था, वो बंदा उतने में वो इसी साइड आ गया, तो टीममेट ने उस पर घर किया, बट वो थोड़ा चुप गया। अभी क्या था, वो बंदा मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, तो अभी कुछ था नहीं, सीधा क्रॉस करना था। तो मैंने सीधा ऊपर से जंप कर दिया और टीममेट ने सामने से आ गया, तो इजीली इस डियो को भी हमने फिनिश कर दिया। तो फटाफट से लूटा और हमने सोचा कि चलो यार इधर से निकल दे। तो जैसे ही मैं गाड़ी लेके इधर आया वो शॉप पे, तो मेरे को पीछे से गाड़ी का साउंड आया, तो दो बंदे पीछे यार। तो अभी क्या था, मैंने टीममेट को बोला कि भाई पीछे बंदे हैं, तो मैं फटाफट से कवर में चला गया। मैं सीधा छत पे आ गया, क्योंकि यार अच्छे से एंगल ले सकूँ इधर। मेरे को दिखा कि वो बंदा दीवार के पीछे ही है, मैंने ग्रेनेड करने का सोचा कि चलो दीवार के पीछे ग्रेनेड कर देता हूँ। बट यार मैं थोड़ा लेट ग्रेनेड किया, तो ग्रेनेड हवा में भी फट गया। दूसरा ग्रेनेड करने का कोशिश किया, लेकिन वो बंदा भाग गया। तो मेरे को लगा कि वो बंदा इधर अंदर ही आएगा, बल्कि वो आया नहीं और वो पीछे की साइड निकल गया। देखो मैंने एम4 से फायर किया उस पर, मुझे पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि एम4 के स्प्रे से कोई बंदा बच गया होगा। मैंने सीधा वो उठाया, मेरे को हल्का सा दिखा, मैं सीधा उसको मार और नॉक हो गया। अब पीछे से भी मेरे को साउंड आ रहे थे कि पीछे भी बंदे हैं, पीछे के हाउस में भी। तो मैं फटाफट से उधर से निकल के इस घर में आ गया, और इस साइड उसका एक बंदा ऊपर था जो अकेला ही था, आपको पता ही था। तो हमने सीधा रश कर दिया, तो उसने मेरे टीममेट को तो नॉक कर दिया, बट मैंने यार फाइनल उसको फिनिश कर दिया। और टीममेट को बोला कि भाई इधर ऊपर है, वो पीछे भी बंदे हैं, वो तुम्हें इजीली फिनिश कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट से रिवाइव दिया और इधर से एंगल बनाने की कोशिश की, तो मेरे को सामने हल्का सा एक बंदा दिखा, तो उसको भी नॉक कर दिया। और तो उसका दूसरा टीममेट कहाँ था पता नहीं, तो हमने रश करने की सोची बट नहीं किया। फिर हम इस साइड इस वाले हाउस में आ गए, तो है उस साइड भी बंदे थे और इस साइड लेफ्ट में भी बंदे थे, तो हमको दोनों साइड फाइट लेनी थी। तो अभी सोचना था कि यार फाइट ले कहाँ सकते हैं। तो मेरे को बंदा दिखा, मैंने उसको नॉक किया, दूसरे बंदे को देखने की कोशिश की बट वो दिखा नहीं। उतने में मेरे को पीछे से पड़ी, तो मैं सीधा लेट गया, अभी पीछे देखना था कि वो बंदे है कहाँ पे। तो मैं इधर आ गया और देखो गाइस, अभी स्पाइडरमैन सूट का असली मज़ा अभी आने वाला है। इधर है मेरा पैर फिसला और मैं सीधा नीचे आ गया। अभी दो बंदे नीचे घूम रहे थे, उनकी क्लियर साउंड आ रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि वो ऊपर हम पे गस करे, लेकिन उन लोगों ने तो किया नहीं गस। तो सामने मेरे को एक बंदा दिख गया, मैंने उसको नॉक कर दिया, लेकिन वो कवर में चला गया।
यार उसका टीममेट ने मेरे को नॉक कर दिया। अभी मैंने भाई को बोला कि यार मेरे को रिवाइव दे दे, फिर बाद में फाइट लेते हैं। तो उसने मेरे को फटाफट से रिवाइव दिया और मैंने सीधा रिवाइव होते ही मैंने स्मोक कर दिया। मैंने हेल्थ लगाया फटाफट से और निकल गए हम उधर से उन लोगों पे रश करने के लिए। तो माही तो देखो यार पूरा स्पाइडरमैन बन गया है, वो तो ऊपर ऊपर ही निकल रहा है, घर पे ही जा रहा है। तो मैंने उसको बोला कि यार तू बंदा बता मेरे को, बंदा कहाँ पे है। तो जैसे ही मैं इधर आया उसने बोला कि देखो सामने मेरे बंदा है। तो मेरे को बंदा दिखा और मैंने उसको सीधा डायरेक्ट फिनिश। तो यार जैसे इसको फिनिश किया तो हमने सीधा उसकी पेटी लूटने के लिए गए क्योंकि हमारे पास इतनी लूट थी नहीं ज़्यादा। तो यार इधर जैसे यार मेरे को साउंड आ गया कि दूसरा बंदा है भाई अंदर। तो मैंने उसको देखने की कोशिश की पर वो दिखा नहीं। तो हल्का सा मेरे को दिख गया वो विंडो पे। तो मैंने एंगल बनाने की कोशिश की लेकिन एंगल बना नहीं। तो मैंने सोचा कि उसको बाहर आने देता हूँ और वेट करता हूँ। जैसे ही वो बाहर आया सीधा फिनिश। तो भाई साहब इधर पुतिन की पूरा ख़त्म। अभी इधर कोई बचा नहीं था। तो हमने फटाफट से लूट किया और निकल गए जोन में। अभी हमको क्या था सीधा जोन में जाना था। और गाइस अभी आपको जो एनाकोंडा दिखने वाले हैं ना, बस देखते ही जाइएगा कितने एनाकोंडा लेटे हुए हैं। अभी आगे बहुत ही एनाकोंडा देखने वाले हैं। मैंने चालू गाड़ी से हेल्थ लगाया और टीम मेट को बोला कि अभी तू सीट चेंज कर, मैं गाड़ी चलाता हूँ और तू हेल्थ लगा। तो हम इधर पहाड़ पे आ गए ड्रॉप पे क्योंकि हमको ड्रॉप लेना था। सामने बग्गी भी थी, यानी बग्गी थी यानी बंदे होने ही है। तो हमने फटाफट से इधर से निकले। तो मेरे को सामने एक एनाकोंडा लेटा हुआ दिखा। तो उसको सीधा नोक कर दिया। अभी उसका दूसरा टीममेट भी बचा था, उसको भी ढूंढना था। जैसे ही इधर आया मेरे को दिख गया वो। तो मैंने उसको भी फिनिश कर दिया, यानी ये ड्यो भी फिनिश अभी। तो अभी क्या था, हम लोगों को इधर दूसरे बंदे को भी ढूंढना था। तो हम ढूंढते ढूंढते इधर आ गए। तो इधर आए तो मेरे को ऊपर एक बग्गी दिखी। तो मैंने गाड़ी को तो देखा कि यार हाँ बंदे है ऊपर। तो वो बंदा था लेकिन दूसरा बंदा उसका नॉक किसने किया पता नहीं। तो वो बंदा नॉक था तो वो उसको रिवाइव देने की कोशिश कर रहा था। मैंने दो शॉट लगाए उसको बट एक भी यार कनेक्ट नहीं हुआ, वो बग्गी बीच में आ गई थी। लेकिन फाइनल यार तीसरा शॉट देखो सीधा बग्गी के टायर के नीचे से गया और उसको सीधा हेड पे लगा और वो बंदा फिनिश। अभी क्या था उसका दूसरा बंदा ये था तो हमने सीधा उस पर वैसे ही कर दिया। और इसको भी फिनिश कर दिया, यानी ये डेविल भैया तो गए। अभी सिर्फ दो बंदे बचे थे और दोनों साफ ही थे, मेरे को पता ही था। तो हम यहाँ से जा रहे थे कि अचानक से यार मेरे टीममेट ने देखो क्या किया, एक्सीडेंट। और जैसे इसने एक्सीडेंट किया मेरे को सामने बंदा दिख गया। तो मैंने वो कूद गया उसको मारने के लिए। लेकिन यार ये मेरे को क्या पता था ये दोनों एनाकोंडा मिलके मेरे को ही डस लेंगे। तो फटाफट से उस बंदे ने तो मेरे को नॉक किया और सीधा इन दोनों एनाकोंडा ने मेरे को फिनिश ही कर दिया। कोई चांस ही नहीं दिया मेरे को बचने का। तो अभी जो भी था पूरा मैच माही भाई पे था। अभी देखते हैं वो मैच जीता पाते हैं नहीं जीता पाते क्या है। तो यार वो बंदे ग्रेनेड कर रहे थे तो टीममेट को बोला कि भाई इधर से तू निकल जा, वो नीचे वाले वेग हाउस में चला जाए क्योंकि वहाँ से तेरे को एंगल मिल सकता है क्योंकि ये बंदे ऊपर थे। तो फटाफट से माही इधर आ गए। और यार कई बार ऐसा हुआ है यार जब जब मैं फिनिश हो जाता हूँ ना, ये जो मेरा फ्रेंड माही है ना वो ऑलवेज मैच को जीताता है। ऐसे 1v4 करना हो ना तो भी कर देता है। मैं पहले कई बार ऐसा मैचों में हुआ है क्योंकि यार इसने 1v4 भी किया है इजीली और चिकन डिनर भी दिलाए हैं। तो मेरे को तो पता था कि ये दो बंदों को तो ये इजीली फिनिश करके चिकन डिनर मेरे को दिलाने ही वाला है। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था इस पर। तो इसने जैसे ही उस बंदे को नॉक किया ना सीधा उसने रस कर दिया उससे क्योंकि इसको पता था कि वो इजीली मार सकता है बंदे को।
तो देखो यार, एक एनाकोंडा सीधा फायर करने लगा, सीधा सीधा। तो ये यही सोया हुआ है देखो, और उसने पूरा उसका धन सीधे गाड़ी पे ही खाली कर दिया। और गाइस हमारी ने मैच फिनिश करके इजी से चिकन डिनर दिला दिया गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।